tal? ये देखिए आलू मैंने छील के काट लिए, ये मूंग की दाल की मैंने ताजी ये वो चलो फ्राई वाली मैंने ये मंगोड़ियाँ बनाई हैं जिसमें पनीर और गाजर कद्दू कस के ग्रेड करके मैंने डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला, नमक मिर्च, हरी मिर्च, और ये मेरा सरसों का तेल भून गया और ये मैंने सारे मसाले तैयार कर लिए। तो ये सारा मसाला देखिए अब इसमें भून रहा है, देखिए इसमें मैंने सारे ही खड़े गर्म मसाले सब मसाले मिक्स करके मिक्सी से पीस ली और किचन किंग घर का बनाया मसाला वो मैंने इसमें डाल दिया। ये स्टीम वाली मूंग की दाल को मैंने साबुत मूंग की दाल को भिगो दिया था और फिर उसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाला और हल्दी थोड़ी सी डाली है और चाट मसाला, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला डालकर मैंने इसको भाप में ये पकौड़ियाँ मूंग की बना ली और थोड़ी इसमें शिमला मिर्च ऐड की और ये थोड़े से आलू मैंने लिए, इनको मैं फ्राई करूँगी और फिर इसके बाद इस सब्ज़ी में इसको डालूँगी क्योंकि बच्चे आलू भी खाना पसंद करते हैं। तो एक बार में मैं इस तरह दोनों को मिक्स करके सब्जी बनाऊँगी। तो पहले मैं इसको आलू को फ्राई कर लूँगी, फिर इसके बाद आलू पका के फिर जब बिल्कुल सब्जी तैयार हो जाएगी तब इसको डालूँगी और एक उबाल आने के बाद इसको बंद कर दूँगी। तो ये देखिए अब मसाला बिल्कुल पक के तैयार हो गया। ये देखिए इसमें मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, गरम मसाला, किचन किंग मसाला, ये सारे ही चीज़ डालकर इसको अच्छे से भूना है। तो आप भी इस तरह का मसाला बना के तैयार करें और इसमें टमाटर की मात्रा मैंने ज़्यादा डाली, आप अपने स्वाद के अनुसार अगर कम खट्टा खाना चाहते तो टमाटर कम भी डाल सकते हैं। ये देखिए मसाला बिल्कुल भून के तैयार हो गया, अब इसमें मैं ये पकौड़ियाँ डालूँगी। परिवार की रसोई में ये मूँग की देखिए स्टीम वाली जो है मंगौड़ियाँ मैंने बनाई हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट, इसमें गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट और क्या नाम है इसके शिमला मिर्च, इन सभी को मैंने डाल के स्टीम कर ली और फिर मैंने ये आलू फ्राई करके ये स्वादिष्ट सब्जी बनाई। तो एक बार आप लोग सभी लोग बनाएं इस तरह की स्वादिष्ट सब्जी। दूसरा ये हमारे शरीर के लिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि कम तेल की और कम मसाले की बनी हुई है तो इस तरह की सब्जी नुकसान नहीं करती। ये हमारी माँ की रेसिपी है जो मेरी माँ हम लोगों के लिए बचपन में बनाती थी, वही रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो सभी लोग एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें, लाइक करें और शेयर करें। और ये बहुत ही सॉफ्ट पकौड़ियाँ बनी हुई हैं स्टीम वाली।